देश भर में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगाना अनिवार्य है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड वाहन 1 अप्रैल 2019 से पूर्व 30 सितंबर 2021 तक सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए आदेश दिए गए थे, जिसके तहत गाजियाबाद में जिन वाहन चालकों ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाई है उनके खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सौभाग्य परिवहन अधिकारी विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। प्लेट लगने के बाद वाहन चालकों को भी फायदा मिलेगा, वाहन की प्लेट बदलने के बाद भी उसकी असली पहचान नहीं छुप पाएगी। जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी होगी तो उनके खिलाफ आदेश आने के बाद परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। संभागीय परिवहन अधिकारी विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि प्लेट नहीं लगने पर 5,000 तक का जुर्माना किया जाएगा। के माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत हुई वाहनों में 30 सितंबर 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की अंतिम समय सीमा दी गई थी, जो अब समाप्त हो गई है। जैसे ही हमें शासन से आदेश प्रवर्तक कार्रवाई के लिए प्राप्त होंगे, हम इस तरह की वाहनें जिसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगा है उनके विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। सर, किन वाहनों के लिए ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगेंगी और अगर जो नहीं लगाता है तो उसके विरुद्ध किस तरीके से कार्रवाई होगी? देखिए, 1 अप्रैल 2019 के पूर्व जो भी पंजीकृत गाड़ियां हैं, चाहे वो स्कूटी हो, मोपेड हो, बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो, ऑटो हो, सारी रजिस्टर्ड गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगना है और चालान किए जाने पर 5,000 तक का जुर्माना उनसे वसूल किया जाएगा। बता दें कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, साथ ही अपनी वाहन की सुरक्षा के लिए प्लेट लगाना जरूरी है। जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।